हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आमिर है और वाईफाई स्टडी 2.0 पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, जो कि अनअकैडमी का ही एक पार्ट है। दोस्तों, आप सभी को जैसा कि पता है कि मैं हर रोज रात को 9 बजे आप लोगों के लिए लेकर आता हूं एक ऐसा सेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम्स के लिए। तो चलिए फटाफट से फटाफट, जल्दी से जल्दी आ जाइए और जुड़ जाइए दोस्तों मेरे साथ में। अपने सभी दोस्तों को इसे भेज दीजिए, जल्दी से जल्दी इसे अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा दीजिए और आ जाइए मेरे साथ में, जुड़ जाइए दोस्तों, जल्दी से जल्दी मेरे साथ में जुड़ जाइए। फटाफट से अपने सभी दोस्तों को पहुंचा दीजिए इसे और जुड़ जाइए मेरे साथ में दोस्तों। चलिए भाई फटाफट से आ जाइए। प्लीज लाइक एंड शेयर द सेशन। सभी दोस्तों से छोटी सी अपील, सेशन को जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चलिए फटाफट जल्दी से जल्दी आ जाइए सभी लोग, फटाफट से फटाफट आ जाइए। जल्दी से जल्दी आ जाइए दोस्तों। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए सभी लोग। वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग गणेश, कांता, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का यहाँ पे। चलिए बाकी लोगों के मैसेज जो है वो शायद नहीं पहुंच पा रहे हैं। चलिए आप सभी अनअकैडमी पर मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। वेरी गुड इवनिंग मनीषा। और मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको एक कोड अप्लाई करना होगा और वो कोड है AMIRYT। ये मेरी फ्री और मेरे पेड दोनों तरह की क्लासेस के लिए एप्लीकेबल है और आप सुबह 7:30 बजे आप सभी मेरी पेड क्लास भी ले सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन के माध्यम से। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप जल्दी से जल्दी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद में आप इसे लॉग इन कीजिए और आपका जो भी एम है उसको सेलेक्ट करने के बाद सब्सक्रिप्शन स्लाइड पर जाइए। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो सर्चिंग ऑप्शन में जाकर AMIR आमिर खान लिखिए, मेरी प्रोफाइल आएगी, आप मुझसे बात कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें 6 मंथ के बारे में, तो देखिए 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ का आपका बेसिकली अगर देखा जाए तो आपका जो अमाउंट है वो होता है, आप यहाँ से AMIRYT कोड अप्लाई करेंगे, अप्लाई करते हैं आपके पास में 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, जिससे आपका कोई भी अमाउंट 10% डिक्रीज हो जाएगा। तो 6000 का अमाउंट 5400 के अंदर हो जाएगा। अब आपके गोल्ड पॉइंट्स को और रिडीम करने के बाद में ये और डाउन हो जाएगा। आपके पास में कुछ मेथड्स होंगे, डेबिट, क्रेडिट, EMI, UPI, वॉलेट, नेट बैंकिंग, इन सभी के थ्रू आप मेरे साथ में प्लस सब्सक्रिप्शन पर जुड़ सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल हर्षिता, आपकी अगर आपको फ्री क्लास लेनी है सुबह 9 बजे आप आ जाइए, अगर 7:30 बजे वाली क्लास लेनी है तो बेटा वो पेड है क्लास। वेरी गुड इवनिंग। बिल्कुल शुरू करते हैं, स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अगर कोई आपसे पूछे कि टिंचर आयोडीन में किस आयोडीन का घोल होता है तो आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? पोटेशियम आयोडाइड, एथिल एल्कोहल, जल या सोडियम क्लोराइड। द टिंचर आयोडीन एज एन आयोडीन सॉल्यूशन इन पोटेशियम आयोडाइड, एथिल एल्कोहल, वाटर और सोडियम क्लोराइड। व्हाट इज योर आंसर? जल्दी से अपना आंसर दर्ज कराइए भाई। प्लीज लाइक एंड शेयर द सेशन। जल्दी से जल्दी लाइक एंड शेयर कर दीजिए सभी लोग।
वेरी गुड। अरे भाई आज इतना ढीले ढीले क्यों हो, जल्दी आओ यार, फटाफट आओ। ये हुई ना बात, वेरी गुड। अब देश के एम एस यादव, चले साहब। सनिता कुमारी वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए अगर हम यहां पर बात करें तो ये जो होगा वो होगा के आई, क्या कहेंगे इसको, इसको पोटेशियम आयोडाइड कहेंगे। तो एक्चुअल में आप जो टिंचर आयोडीन देखते हैं उस टिंचर आयोडीन में कौन सा घोल होता है, पोटेशियम आयोडाइड का होता है। अब टिंचर आयोडीन कहां काम में आता है, आपको पता होगा कि टिंचर आयोडीन कहां काम में आता है, आपने देखा होगा चोट लगने पर टिंचर आयोडीन काम में आता है, इसके अलावा दर्द निवारक होता है। वेरी गुड इवनिंग जानवी सबीर, शब्बीर खान बहुत बहुत स्वागत आपका। तो दर्द निवारक भी होता है टिंचर आयोडीन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कश्मीरी सॉन्ग, हाय सर वॉचिंग फ्रॉम कुलगाम कश्मीर, वेरी वेल डन यार, बिल्कुल आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। भूरी शर्करा के विलयन को विरंजित करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले कोयले या चारकोल को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं, लकड़ी का कोयला कहते हैं, नारियल का कोयला कहते हैं, जांतव कोयला कहते हैं, चारकोल कहते हैं, या शर्करा चारकोल के नाम से जाना जाता है। आपके हिसाब से आंसर बताइए क्या होगा, शुगरी कोल। चलिए बताइए आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए। वेरी गुड इवनिंग ज्योति। वेरी गुड इवनिंग अंशिका निगम। चलिए मैं यहां बात कर लेता हूं, यहां पर जो आंसर होगा वो होगा नेटिव चारकोल, ठीक है। तो जांतव चारकोल का प्रयोग किया जाता है यहां पर, ठीक है, वुड का नहीं किया जाता, जांतव का किया जाता है। बिल्कुल छोटा सा और स्मॉल सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जल्दी से अपना आंसर आप दर्ज कराएंगे कि खाने का सोडा या खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है। सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, सोडियम नाइट्राइट के नाम से जाना जाता है या सोडियम नाइट्रेट के नाम से जाना जाता है। वेरी गुड इवनिंग अजय नामदेव, बहुत बहुत स्वागत दोस्त आपका। चलिए फटाफट आ जाइए। जानवी गौतम, कल हमारा एक छोटा सा इवेंट था अनअकैडमी पर, तो जानवी यहां पर आना नहीं हो पाया। मैंने इन्फॉर्म किया था 7 बजे वाली क्लास में, कल 7 बजे से 10 बजे के बीच कोई क्लास नहीं हुई थी। प्लीज लाइक एंड शेयर द सेशन, सभी दोस्तों तक अपने शेयर कर दीजिए। बिल्कुल वेरी गुड, एग्जैक्टली आंसर इज सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। आपको पता होगा कि जब हम बात करते हैं सोडे के बारे में तो सोडा दो प्रकार का होता है, एक तो होता है वॉशिंग सोडा जिसको धावन सोडा के नाम से जाना जाता है, और एक होता है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है। तो अगर हम यहां पर बात करें वॉशिंग सोडा के बारे में तो वॉशिंग Na2CO3, बेकिंग सोडा के बारे में बात करें तो NaHCO3। हेलो संचिता, आंसर इज सोडियम बाई कार्बोनेट, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर कोई आपसे पूछे दिया सलाई की नोक में क्या होता है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, जल्दी बताइए। जो मैच बॉक्स की मैच स्टिक होती है उसके टिप में क्या होता है। बिल्कुल ज्योति, कल सारी क्लास ऑफ थी। चलिए जल्दी बताइए आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, दिया सलाई की नोक में क्या होता है। वेरी गुड,
वेरी गुड, एग्जैक्टली बिल्कुल सही जवाब। और यहां पर जो आंसर होगा वो होगा लाल फास्फोरस। ठीक है, तो क्या होता है, रेड फास्फोरस होता है। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, एग्जैक्टली आप सभी के द्वारा दिया हुआ आंसर बिल्कुल सही है। मोनालिसा मिशेल, यहां पर जो आंसर होगा बेटा वो होगा सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कॉपर इलेक्ट्रोड का प्रयोग कर कॉपर सल्फेट के जलीय घोल के विद्युत अपघटन से आपको क्या मिलता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनटीपीसी 2016 में पूछा गया सवाल है, शिफ्ट फर्स्ट में। ठीक है, तो एनटीपीसी 2016 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए कि जब हम व्हाट इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट ऑन कॉपर इलेक्ट्रोड, आपके हिसाब से क्या होगा? जल्दी बताइए, कैथोड पर कॉपर होगा, एनोड पर ऑक्सीजन होगा, एनोड पर कॉपर होगा, कैथोड पर ऑक्सीजन होगा, कैथोड पर और एनोड दोनों पर कॉपर होंगे, या कैथोड पर हाइड्रोजन होगा और एनोड पर ऑक्सीजन होगा? चलिए जल्दी बताइए आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए। थैंक यू सो मच ज्योति। चलिए बिल्कुल, आप सभी के आंसर्स वेरी गुड बाबूलाल, आपका आंसर एग्जैक्टली बिल्कुल सही है और आंसर है ए। जब हम कॉपर इलेक्ट्रोड का प्रयोग करेंगे तो कैथोड पर कॉपर आ जाएगा और एनोड पर ऑक्सीजन आ जाएगा। नमस्ते सोनिया चौधरी। तो यहां पर मामला क्या होगा, जब हम CuSO4 का सोल्यूशन लेंगे तो कैथोड वाला जो एरिया है वहां पर कॉपर आ जाएगा और एनोड वाले पर ऑक्सीजन चली जाएगी। ठीक है, आंसर यहां पर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्य नाम क्या होता है? इज द कॉमर्शियल नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या कहते हैं भाई हम? वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं, बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं, या सोडा एश के नाम से जानते हैं? बिल्कुल सोनिया चौधरी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बिल्कुल आप आ सकते हैं क्लास में। जल्दी बताइए दोस्तों, वेरी गुड गणेश, जानवी, मनीषा, वेरी वेल डन। अभी अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने इसका डिस्कशन किया था, मेरे हिसाब से इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब और आंसर है बेकिंग सोडा। क्या कहते हैं इसको? बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सही जवाब आप सभी के द्वारा, वेरी वेल डन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर हम बात करें इशू सरकरा के किण्वन से निर्मित सिरके में होता है क्या? What happen in vinegar made from fermentation of celestial sugar? अगर मैं sugar का fermentation करता हूं तो आपके हिसाब से जो सिरका बनता है उस सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? उसमें palmitic acid पाया जाता है, उसमें lactic acid पाया जाता है, उसमें citric acid पाया जाता है, या उसमें acetic acid पाया जाता है? जल्दी बताइए आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए। जल्दी बताइए दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग अंजलि जादोन, हाउ आर यू? वेरी गुड, वेरी गुड संदीप। वेरी गुड कांता, एग्जैक्टली। चलिए दोस्तों आपको मैं बता देता हूं, उसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना, कि पामेटिक एसिड जो होता है वो बेटा कॉस्मेटिक में यूज होता है। जितनी भी कॉस्मेटिक आपकी सामग्री आती है इन सभी में होता है, जैसे सोप वगैरह होता है ना, इन सभी के अंदर यूज किया जाता है। लैक्टिक एसिड पाया जाता है बेटा कर्ड में, कर्ड मतलब दही के अंदर पाया जाता है। ठीक है, कॉस्मेटिक मतलब सौंदर्यता के सामान, जितने भी सौंदर्यता के सामान होते हैं उन सभी में पाया जाता है।
ठीक है। अगर बात करूं सिट्रिक एसिड के बारे में तो बेटा नींबू में और संतरे में पाया जाता है, और अगर मैं बात करूं एसिटिक एसिड में तो ये सिरके के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, आंसर होगा इसका एसिटिक एसिड। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब आपके द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। चलिए अगर मैं बात करूं दिया सलाई के विनिर्माण में, तो बताइए कि दिया सलाई के निर्माण में इनमें से किसकी जरूरत पड़ेगी, फास्फोरस की, मैग्नीशियम की, सिलिकॉन की या सल्फर की, जल्दी बताइए दोस्तों। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर एस सुमन संचिता के द्वारा। यस, आंसर इज फास्फोरस, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर, फास्फोरस इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए रिपीटेड क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें फ्लाई ऐश के बारे में, है ना बेटा, फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है, किसके द्वारा उत्पन्न होता है भाई, उर्वरक संयंत्र में उत्पन्न होता है, सीमेंट के उद्योग में यानी उपयोग में उत्पन्न होता है, थर्मल पावर प्लांट में होता है या आटा मिल के अंदर होता है। तो फ्लाई ऐश इज एन द एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस बाई फर्टिलाइजर प्लांट, सीमेंट इंडस्ट्री, थर्मल पावर प्लांट या फ्लोर मिल। जल्दी बताइए दोस्तों, प्लीज लाइक द सेशन। जय हिंद गुड्डू कुमार जी, दोस्तों प्लीज लाइक द सेशन, बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। जाहिर सी बात है कि सीमेंट के अंदर राख का उपयोग किया जाता है, फ्लाई ऐश क्या होती है, राख होती है भाई, तो राख का उपयोग किया जाता है। लोकेश मीणा, आरआरबी ग्रुप डी के लिए अगर आपको बुक चाहिए तो आप एनसीईआरटी का यूज कीजिए, एनसीईआरटी 9th एंड 10th। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आपके हिसाब से सीमेंट की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई थी, एगेस्टिन के द्वारा की गई थी, अल्बर्ट मैक्सन के द्वारा की गई थी, जोसेफ एस्पेडिन के द्वारा की गई थी या जेनसिन के द्वारा की गई थी, कौन थे जिन्होंने सीमेंट को खोजा था, जल्दी बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब, अगर हम बात करें तो आंसर होगा जोसेफ एस्पेडिन। तो जोसेफ एस्पेडिन ने 1824 के अंदर सीमेंट की खोज की थी, एक्चुअल में आंसर जो होगा वो होगा जोसेफ एस्पेडिन, ठीक है। तो 1824 में इन्होंने पहली बार सीमेंट को बनाया था दोस्तों, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें किडनी स्टोन के बारे में, तो आपके हिसाब से किडनी स्टोन क्या होता है, सोडियम ऑक्सलेट होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, सोडियम क्लोराइड होता है या कैल्शियम एसिटेट होता है। वेरी गुड इवनिंग पंकज कुमारी, सोनिया सर टेट के लिए भी क्लासेस लेते हैं क्या आप, बेटा बिल्कुल, टेट के लिए जो नॉर्मल जनरल साइंस के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मेरे इस क्लासेस से ओवर हो जाएंगे, डोंट वरी।
प्लीज दोस्तों लाइक द सेशन, थैंक यू सो मच संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सुमन सर बिहार एसएससी मेंस के लिए क्या करें? मेंस के लिए आप जो है वो अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, और तैयारी अगर आप अच्छी और करना चाहते हैं तो आप एसएससी का सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर सकते हैं AMIRYT मेरे कोड के थ्रू। सुमन वेरी गुड इवनिंग। प्रिंसी टमाटर में कैल्शियम ऑक्सलेट नहीं, अगर हम बात करें तो आंसर है कैल्शियम ऑक्सलेट, बिल्कुल सही जवाब, कैल्शियम ऑक्सलेट इज द राइट आंसर। और इसका फॉर्मूला होता है Ca, कौन बताएगा इसका फॉर्मूला? चलिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था क्या होता है, CaC2O4, CaC2O4, तो कैल्शियम ऑक्सलेट कहते हैं इसको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है तो आपका आंसर क्या होगा? स्टायरिन का होता है, वाइनिल एसिटेट का होता है, प्रोपिन का होता है, या आइसोप्रिन का होता है? जल्दी बताओ आपके हिसाब से प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है। वेरी गुड मनीषा, वेरी गुड राजमोहन, गुड्डू, दीपक, मिस्टर दीप, राजा यादव, गणेश मिश्रा, जानवी गौतम, हर्षित, सोनिया, अनिल, राजमोहन, वेरी वेल डन ऑल ऑफ यू। बिल्कुल सही जवाब लोकेश, ज्योति, विजय, सभी का आंसर बिल्कुल सही है, और आंसर है आइसोप्रिन। तो अगर देखा जाए तो आइसोप्रिन ही होती है नेचुरल रबड़, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब, आइसोप्रिन ही होती है। और जब हम इसको सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करते हैं तो हमको प्राप्त होती है वल्किनीकृत रबड़। कौन सी रबड़ प्राप्त होती है? वल्किनीकृत रबड़ प्राप्त होती है। वेरी गुड, अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कार्बनिक यौगिकों से संबंधित गलत कथन कौन सा है? चयन कीजिए, ठीक है। उनका गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है, वह जल में घुलनशील नहीं है, वह सहज ज्वलनशील नहीं है, या उनमें मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं। बिल्कुल एजे सैनी, क्यों नहीं आएगी वैकेंसी? आएगी भाई, डेफिनेटली आएगी वैकेंसी, ऐसा थोड़ी होता है कि वैकेंसी नहीं आती। पूजा लर्निंग वेरी गुड इवनिंग, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। तो आपको बताना है अंशिका निगम, वेरी गुड इवनिंग। कार्बनिक यौगिक, ऐसे यौगिक जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, इन कार्बनिक यौगिकों में गलत कथन कौन सा होता है? विजय बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। हिंदी नहीं जानते तो इंग्लिश सुनिए। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, दे आर नॉट रेडिली फ्लेमेबल, दे मेनली कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। अच्छा बिल्कुल अनिल सहानी, जवाब बिल्कुल सही है, आंसर है सी, वे सहज ज्वलनशील नहीं होते। किसने कहा वो ज्वलनशील नहीं होते? सबसे ज्यादा जल्दी जलने वाले होते हैं। वेरी गुड इवनिंग राजमोहन, एग्जैक्टली आंसर इज करेक्ट, वेरी वेल डन अनिल, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं वल्किनीकरण प्रक्रिया के बारे में, यानी वल्कनाइज रबड़ के बारे में, तो निम्नलिखित में से किस पदार्थ के मिलाने पर रबड़ को वल्किनीकृत मिलाया जा सकता है, बनाया जा सकता है? नाइट्रोजन मिला दिया जाए, सिलिकॉन मिला दिया जाए, सल्फर मिला दिया जाए, या अल्कोहल मिला दिया जाए? वेरी गुड इवनिंग कृष्णा कुमारी,
देसी एडीपी जितने कार्बनिक यौगिक होते हैं वो बहुत आराम से जल जाते हैं, चाहे आप फैट को ले लो, चाहे आप कार्बोहाइड्रेट को ले लो, आप किसी को भी जला सकते हो। वेरी गुड, अभी अभी कुछ देर पहले ही बताया था तोमर, बहुत बहुत स्वागत, वेरी गुड इवनिंग जी। वेरी गुड इवनिंग, चलिए बिल्कुल सही जवाब, और आंसर है सल्फर। एग्जैक्टली योर आंसर इज करेक्ट, आंसर इज सल्फर। ठीक है, तो एग्जैक्टली बिल्कुल सही जवाब है सल्फर जो होता है वो वल्कनीकरण प्रोसेस से, बिल्कुल सही जवाब होगा। वेरी गुड, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वलनशील है? कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए फ्लेमेबल गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर फ्लेमेबल? हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। गुड्डू, रबड़ को कठोर बनाने की प्रक्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। जब हम रबड़ को सल्फर के साथ गर्म कर देते हैं तो गर्म करने के बाद में वो कठोर हो जाती है, और फिर उसका प्रयोग जो है वो किस लिए किया जाता है? वो किया जाता है आपके ट्यूब बनाने में, टायर बनाने में, इन सभी में किया जाता है। ठीक है सोनिया, एग्जैक्ट टाइम 9 बजे मंडे टू फ्राइडे। पूजा मेहरा, रियली वेरी सॉरी। वेरी गुड सर, आप दुनिया के बेस्ट टीचर हो, सच में आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच अंशिका निगम, रियली थैंक यू सो मच। आंसर इज हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें हाइड्रोजन के बारे में तो हाइड्रोजन बहुत ज्यादा ज्वलनशील है, इसीलिए ये हमारा फ्यूचर फ्यूल है, ये हमारा फ्यूचर फ्यूल है, इसीलिए इसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक टाइम के बाद में खत्म हो जाएंगे और हमारा सारा दारोमदार हमारी हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर आएगा। आंसर बिल्कुल सही है। जो लोग आंसर ऑक्सीजन दे रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि ऑक्सीजन जलाने में सहायक है, कभी खुद नहीं जलती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एस्बेस्टस क्या होता है? कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट, एल्यूमिना, कैल्शियम सिलिकेट या मैग्नीशियम सिलिकेट, जल्दी बताइए। एस्बेस्टस क्या चीज होती है? राजमोहन, मंडे से फ्राइडे शाम को 6 बजे वाईफाई स्टडी एसएससी पर। विकास तिवारी, बिल्कुल मेरा नया बैच है सुबह 7:30 बजे। गुड्डू कुमार, सौर ऊर्जा इतनी सक्षम नहीं है। वेरी गुड उत्तम, वेरी गुड अंजलि, लोकेश, नहीं बेटा हीलियम नोबल गैस होती है। थैंक यू दीपक, बिल्कुल लक्ष्मण एनटीपीसी के लिए है दोस्त, कोई इशू नहीं। चलिए अगर हम यहां पर देखें, हाँ सर आपने टाइम चेंज किया, कल 9 बजे वाली क्लास नहीं, 9 बजे ही होगी क्लास। चलिए अगर हम यहां पर देखें तो आंसर होगा मैग्नीशियम सिलिकेट। ठीक है, मैग्नीशियम सिलिकेट इज द राइट आंसर। पवन, हेलो सर, आई एम पवन, यू रिमेंबर, कीर्ति में आपसे पढ़ता था एफएम। बिल्कुल पवन, आपको मैं जानता हूं, डेफिनेटली वेरी वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैग्नीशियम सिलिकेट पहले आंसर बिल्कुल सही था। टॉर्च लाइट, इलेक्ट्रिक शेवर आदि उपकरणों में आमतौर पर प्रयुक्त चार्जेबल बैटरियों में इलेक्ट्रोड का काम आमतौर पर निम्नलिखित सामग्री से जोड़ा जाता है, कौन है? आयरन कैडमियम, निकल कैडमियम, लेड परऑक्साइड एंड लेड, जिंक और कार्बन। जल्दी बताइए आपके हिसाब से आंसर क्या होगा। नहीं देसी एडीपी, क्लास पेड है मेरे दोस्त।
अगर आपको फ्री क्लास में आना है तो 9 बजे आइए। बिल्कुल पवन, बिल्कुल बिल्कुल, टॉक फाटक में आप, मैं आपको बिल्कुल पढ़ाता था जयपुर में, बिल्कुल मैं जानता हूं आपको। सर व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सन एंड अर्थ? सन एंड अर्थ मतलब, लोकेश में समझा नहीं आपके इस क्वेश्चन को? नहीं मनीषा, आंसर गलत है बेटा। सर जी हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा और डिटेल दीजिए, कैसे भविष्य में इसका इस्तेमाल होगा? गुडू, एक टाइम के बाद में पेट्रोलियम प्रोडक्ट खत्म हो जाएंगे, ठीक है, हमको एक नया सोर्स ढूंढना पड़ेगा। तो आप नए सोर्स के लिए कहां जाएंगे? इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जाएंगे और हाइड्रोजन फ्यूल में जाएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन फ्यूल आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जगह जगह पर इलेक्ट्रिसिटी वाले पंप लगाने पड़ेंगे, और ये थोड़ा सा मुश्किल है इंडिया जैसे देश में। इसीलिए धीरे धीरे हाइड्रोजन की तरफ हम लोग जाएंगे, फिर नॉन पॉल्यूटेड होगा तो हमारे लिए और भी बेहतर है। आंसर इज जिंक एंड कार्बन, डी आंसर इज अ राइट आंसर, वेरी वेल डन, ठीक है। चलिए बिल्कुल अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित होता है, स्टोर होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या एसिटिक एसिड? बिल्कुल पालू कुमारी जी, बिल्कुल मैंने आपका यहां पर देख लिया आंसर। सबका चालान कटा। चलिए बताइए, जल्दी बताइए आपके हिसाब से आंसर क्या होगा। हाँ भाई, अभी मुझे किसी ने, अगर हम बात करें सन के बारे में तो सूर्य का जो डायामीटर होता है वो होता है 1.392 मिलियन किलोमीटर, और अगर मैं बात करूं अर्थ के बारे में तो अर्थ का होता है 12,742 किलोमीटर, ठीक है। आई होप आपको आंसर समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आंसर इज सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 भरा होता है, बिल्कुल सही जवाब। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिलोसोफर वूल रासायनिक दृष्टि से कौन होता है? जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड? बिल्कुल फ्री है 9 बजे। बेटा टॉर्च लाइट्स के अंदर या जितनी भी लाइट्स होती है, यहां पर अगर हम बात करें तो जो इलेक्ट्रोड्स का यूज होता है वो कार्बन और जिंक का होता है, ठीक है। टॉर्च लाइट के सेल देखें बेटा, तो उसमें जो बीच वाला एरिया होता है ग्रेफाइट का होता है, वो कार्बन होता है, ठीक है, जो कैथोड का काम करता है, और जो आउटर सेल होता है वो जिंक का होता है और ये एनोड का काम करता है। आई होप आपको आंसर समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सही जवाब, आंसर इज ZNO, जिंक ऑक्साइड को फिलोसोफर वूल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। एग्जैक्टली योर आंसर इज करेक्ट, ऑल ऑफ यू, यार बहुत बढ़िया, मजा आ गया यार, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो आप लोग, वेल डन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? लाफिंग गैस, हंसने वाली गैस किसको कहा जाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड को कहते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को कहते हैं, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड को कहते हैं या नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं? जल्दी बताइए आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए। एग्जैक्टली बिल्कुल सही आंसर आप सभी के द्वारा, और आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। और कौन काम में लेता है इसको? डेंटिस्ट, डेंटिस्ट काम में लेते हैं ना, हंसाने के लिए लिया जाता है, बिल्कुल सही जवाब। ये निषेचक के रूप में किया जाता है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल सही जवाब आप सभी के द्वारा, वेरी गुड फ्रोजन तनीषा, वेरी वेल डन। चलिए बिल्कुल अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्लीज दोस्तों, मेरे कहने पर एक छोटी सी अपील आप लोगों से,
प्लीज लाइक द सेशन दोस्तों, ठीक है। तो बस इतना ही कहूंगा आपसे कि प्लीज लाइक द सेशन। चलिए, अगर कोई आपसे पूछे कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डायनमो। डायनमो बदलता है, डायनमो मतलब क्या होता है? जनरेटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक हीटर बदलता है, बैटरी बदलती है, या एटॉमिक बम बदलता है? बिल्कुल अर्जुन शर्मा, पूछिए आपको क्या क्वेरी है, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं दोस्त। थैंक यू पालू कुमारी। अभय पांडे, शांत रहो। अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू अभय, आई रियली अप्रिशिएट योर कमेंट, रियली थैंक यू सो मच। चलिए, आंसर इज अ राइट आंसर, इट्स बैटरी, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें बैटरी के बारे में, तो बैटरी में भरा होता है केमिकल, और ये इस केमिकल एनर्जी को चेंज कर देता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एग्जैक्टली आंसर इज राइट, वेरी वेल डन। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पीड़क नाशी के रूप में डीटीटी के प्रयोग की हानि क्या है? कुछ समय के बाद में यह अप्रभावी हो जाता है, ठीक है। प्रकृति सरलता से निम्नीकरण नहीं होती, दूसरों से कम प्रभावी होता है, या इसकी अधिक लागत है? इट्स ओके अब है, मनीष सर मैंने सभी आंसर दिए हैं, वेरी गुड मनीष, ओके अभय पांडे, बिल्कुल आ जाइए पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं यार, होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। अगर हम यहां पर पढ़े तो आंसर होगा ये प्रकृति में सरलता से निम्नीकरण नहीं होता, ठीक है, ये धीरे धीरे जो है ये निम्नीकृत इसका नहीं हो पाता, डिग्रेड नहीं हो पाता, इसीलिए डीटीटी हमारे लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, हानिकारक होता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। हम बात करेंगे यहां पर अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग संदीप। रिचार्जेबल सेल के सेल में सेल के भीतर किस प्रकार की ऊर्जा होती है? ठीक है, विद्युत ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। तो जो सेल रिचार्ज किए जा सकते हैं उनमें क्या होता है, सोचकर आंसर दीजिएगा। सर तैयारी कैसे करें? फीडबैक मांग लो देसी एडीपी। तैयारी करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है और कुछ नहीं करना है, और पढ़ाई की शुरुआत कभी भी कहीं से भी हो सकती है। कोई टाइम टेबल मत बनाना, आई रिक्वेस्ट टू यू, कोई टाइम टेबल मत बनाना, क्योंकि दुनिया में कोई इंसान टाइम टेबल से नहीं पढ़ता। जब तुम्हारा मन करे, जब तुम्हारा दिल करे, बस पढ़ने बैठ जाओ और अपने आप को एक गोल की तरफ लेकर जाओ। बिल्कुल एग्जैक्टली आंसर सी इज करेक्ट, और आंसर है रासायनिक ऊर्जा होती है। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, केमिकल एनर्जी इज अ राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। फोटोग्राफी प्लेटों में जो सिल्वर हैलाइड्स होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, कहने का मतलब है सिल्वर ब्रोमाइड का जो प्रयोग किया जाता है वो क्यों किया जाता है? क्योंकि वो वायु में ऑक्सीकृत हो जाती है, दूसरा ये हाइपो सॉल्यूशन में विलय हो जाती है, ये प्रकाश से रूपांतरित हो जाती है, या ये बिल्कुल रंग विहीन होती है। आपके हिसाब से हम लोग AGBR का यूज फोटोग्राफिक प्लेट में क्यों करते हैं?
बिल्कुल देसी एडीपी। फोटोग्राफिक प्लेट में एजीबीआर, एग्जैक्टली आंसर इज बी, क्या होता है हाइपो सोल्यूशन के अंदर सोल्यूबल हो जाती है, इसीलिए इसका यूज किया जाता है एजीबीआर का। ठीक है, तो दोस्तों जो सिल्वर हैलाइड दे रखा है एक्चुअल में क्या है, ये एजीबीआर है, ये सिल्वर ब्रोमाइड कहलाता है ना, आपने सुना होगा ना दोस्तों सिल्वर ब्रोमाइड का यूज फोटोग्राफी में करते हैं, तो इसलिए करते हैं इसको। रियल करें सर, बहुत लोग सिर्फ पैसे के लिए ऑनलाइन आते हैं, बट आप रियल हो, थैंक यू सो मच सर। क्या ये एनटीएससी में भी क्वेश्चन आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं एनटीएससी में भी फ्रोजन तनिषा, इट्स ओके। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, शुगर से अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अगर आप किसी भी चीनी के घोल से, किसी भी शुगर से अगर शराब बना रहे हैं तो वो कौन सी प्रक्रिया के तहत बनेगी? किण्वन के द्वारा, श्वसन के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा या उत्सर्जन के द्वारा? बिल्कुल देसी। वेरी गुड लोकेश, थैंक यू एडीपी। बिल्कुल दोस्तों एग्जैक्टली आप लोगों का आंसर एकदम सही है। कौन सी प्रोसेस होती है? फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, किण्वन की क्रिया होती है। हम क्या काम करते हैं, शुगर को सड़ा देते हैं, अनॉक्सी श्वसन होता है, यहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं इसको, और जब ये सड़ जाती है तो फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है जिससे शराब का निर्माण होता है, और ये शराब होती है एथेनॉल या एथिल एल्कोहल इसका नाम होता है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, बिल्कुल राजा यादव आपका बहुत बहुत स्वागत है। फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर सल्फेट या सिल्वर नाइट्रेट? जानवी डियर मुझे नहीं पता, आप एक बार वापस से अपना ऐप अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कीजिए या कोई नई आईडी बनाइए। सर यू हैव वेरी गुड वॉइस, थैंक यू सो मच विकास तिवारी, रियली थैंक यू सो मच फॉर एप्रिशिएटिंग मी। आप सभी मेरे साथ में मेरी फ्री क्लास के लिए भी जुड़ जाइए दोस्तों, आप अन अकेडमी पर वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आइए और मुझे फॉलो करीजिए। आज ही पहली बार मिले बट बहुत अच्छा लगा आपकी क्लास अटेंड करके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पालू कुमारी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बिल्कुल आंसर इज सिल्वर ब्रोमाइड, इट्स ए जी बी आर। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर। ये होता है सिल्वर क्लोराइड, ए जी सी एल कहते हैं इसको, ये यूज आता है प्रकाश संवेदी कांच बनाने में, प्रकाश संवेदी कांच बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह है सिल्वर सल्फेट, ठीक है, और यह है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का यूज करते हैं अमिट शाही में, और सिल्वर सल्फेट वगैरह का जो यूज करते हैं बेसिकली, क्यों नहीं इंग्लिश है ना, विद सिल्वर सॉल्ट आर यूज्ड टू मेक ए फोटोग्राफिक फिल्म। बेटा देखिए, आप नीचे देखिए सरोज, आपको आंसर दिख जाएगा बेटा। चलिए भाई, निम्न में से वो कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन? जल्दी बताइए। मनीष आपको क्लास में जाना है पंकज सर की, तो चलिए कोई बात नहीं बेटा, आप चले जाइए, इट्स ओके। हेलो अभिषेक, हाय जेवियर खान,
वेरी गुड, आंसर इज हाइड्रोजन. हाइड्रोजन इज अ राइट आंसर. ठीक है, ये तीनों के तीनों जो होते हैं बेसिकली देखा जाए तो ये ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं. ठीक है, एग्जैक्टली आपके द्वारा दिया हुआ आंसर बिल्कुल सही. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. फोटोग्राफिक फिल्म पर सुग्राही पायस तैयार करने में किस हैलाइड का प्रयोग किया जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है. फोटोग्राफी फिल्म में किसका यूज किया जाता है, चलिए फटाफट बता दीजिए. यस, आंसर इज सिल्वर ब्रोमाइड. क्लोराइड पे निशान लगा दिया. इट्स आंसर इज सिल्वर ब्रोमाइड. एग्जैक्टली आंसर इज करेक्ट. मैं अच्छा हूं वेंकट, हेलो हाउ आर यू यार, कैसे हो, बहुत दिनों बाद आए आज. चलिए आपसे पूछते हैं छोटा सा क्वेश्चन. केन प्लवन प्रक्रम का प्रयोग धातु क्रम के लिए किया जाता है. द मेटलिक प्रोसेस यूज्ड फॉर हूज मेटलर्जी. मेटलर्जी में हम जो क्रेन प्रोसेस होते हैं वो किसके लिए करते हैं? सल्फाइड ओर के लिए, ऑक्साइड ओर के लिए, सल्फेट ओर के लिए, क्लोराइड ओर के लिए. बिल्कुल जैविर खान, मंडे टू फ्राइडे मेरी क्लास जो है वो रोज होती है. थैंक यू सो मच फ्रोजन. देसी एडीपी आपका पूरा नाम बताइए यार, क्या है? वेरी गुड मनीषा, इज अ राइट आंसर. जितने भी सल्फाइड अयस्क होते हैं उन सभी के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं. जतिन वेरी गुड इवनिंग यार, बहुत बहुत स्वागत आपका. वेरी गुड, एग्जैक्टली योर आंसर इज करेक्ट. वेरी वेल डन ऑल ऑफ यू. अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. चलिए अगर आपसे कोई पूछे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण की वजह से बनता है तो आपके हिसाब से आंसर क्या होगा? एप्सम लवण, जिप्सम लवण, या नीला तोता, या फिर हरा हरित कोचर. जल्दी बताइए आपके हिसाब से आंसर क्या होगा. वेरी वेल डन, बिल्कुल सही जवाब आप सभी के द्वारा यहां पर. इट्स रियली वेरी नाइस. चलिए दोस्तों आंसर होगा जिप्सम लवण, बिल्कुल सही जवाब. और जिप्सम क्या होता है दोस्तों? CaSO4.2H2O. ठीक है, इससे क्या बन जाता है? CaSO4.5H2O. और ये क्या होता है? ये होता है POP. ठीक है दोस्तों, ये होता है POP. दोस्तों छोटी सी अपील, प्लीज लाइक द सेशन. ठीक है, प्लीज लाइक द सेशन. अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. अगर कोई आपसे पूछे कि एथिल एल्कोहल का आइसोमर कौन सा होता है तो आपके हिसाब से आंसर क्या होगा? जल्दी से अपना आंसर दर्ज कराइए. कौन सा होता है एथिल एल्कोहल का आइसोमर? डाइमेथिल ईथर, डाइएथिल ईथर, एसीटोन, या मेथिल एथिल ईथर. जल्दी बताइए. बिल्कुल सही जवाब. अच्छा, बी आदर्श पाठक, क्या बात है, वेरी वेल डन. नहीं दोस्तों, अगर यहां पर देखा जाए तो आंसर होगा डाई मेथिल ईथर. ठीक है, तो जो डाई मेथिल ईथर होता है वो एथिल एल्कोहल का आइसोमर होता है. ठीक है, बिल्कुल सही जवाब दोस्तों. एग्जैक्टली योर आंसर इज करेक्ट. रियली वेरी नाइस ऑल ऑफ यू. अगर कोई आपसे पूछे कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है तो आपके हिसाब से आंसर क्या होगा? ब्रोमीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, या क्लोरीन. विच इज द नॉन मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट. लोकेश वेरी गुड, इट्स ओके जेवियर.
बिल्कुल देसी आपकी बात में पाठक जी, बिल्कुल मैं आपकी बात सुन रहा हूँ यार, डोंट वरी। प्लीज लाइक द सेशन दोस्तों। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, आंसर इज ब्रोमीन। ठीक है, तो जो ब्रोमीन होती है वो किसमें पाई जाती है, एट लिक्विड स्टेट पाई जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब, लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। अगर आपसे पूछते मेटल के बारे में तो दोस्तों आपका जवाब होता क्या, मरकरी। ठीक है, मरकरी यानी Hg होता। ठीक है, नहीं नहीं मनीष, आंसर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट। एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय एथेनॉल? मिथाइल एल्कोहल का, प्रोपाइल एल्कोहल का, फिनॉल का या मिथेन का? आदर्श पाठक बहुत बहुत स्वागत आपका। राम राम जी, एसके डिफेंस क्लासेस। दोस्तों जल्दी से लाइक करवा दो, जल्दी से लाइक करवाओ, जाए लाइक कर दो सेशन को, कम से कम 100 तक तो पहुंचा दो। अभी 86 ही पहुंचा है। बिल्कुल, हेलो, वेरी गुड इवनिंग, आंसर इज ए, मिथाइल एल्कोहल। तो अगर आप एथेनॉल के अंदर मिथाइल एल्कोहल को करेंगे तो ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, नहीं, आंसर इज ए। वेंकेट बिल्कुल सही जवाब दिया है, पालू कुमारी इट्स वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब आपके द्वारा, वेरी वेल डन ऑल ऑफ यू। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। हेलोजन में सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन होता है? फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है या आयोडीन होता है? जल्दी बताइए, हेलोजन में सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है? हेलोजन में सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सा होता है? वेरी वेल डन, एग्जैक्टली योर आंसर इज करेक्ट, और वेरी गुड, आंसर इज फ्लोरीन। सबसे ज्यादा अगर कोई क्रियाशील है तो वो है फ्लोरीन। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, एग्जैक्टली योर आंसर इज करेक्ट, वेरी वेल डन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्लोरीन इज अ राइट आंसर। कांच क्या होता है? बहुमिश्रण, बहुलक मिश्रण होता है, एक जेल होता है, अतिशीतित तरल होता है या सूक्ष्म क्रिस्टलीय ठोस होता है? आपके हिसाब से कांच क्या होता है, जल्दी बताइए। नहीं, आंसर इज फ्लोरीन। सुपर हीटेड लिक्विड, बिल्कुल सही जवाब, आंसर है अतिशीतित तरल। बिल्कुल सही जवाब है, अतिशीतित तरल होता है ये। ठीक है, तो कांच हमेशा अतिशीतित तरल माना जाता है, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आई थिंक इज अ माइक्रो क्रिस्टल, नहीं अतिशीतित, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड? अरे बिल्कुल राजस्थानी बॉय कृष्ण कुमार स्वामी, गेटवे ऑफ इंडिया से मेरे को क्या लेना देना भाई, मैं साइंस पढ़ा रहा हूं।
37 का आंसर बताइए। वेरी गुड आदर्श, एनटीएससी के एग्जाम के लिए आप एक बार मुझे जरा सिलेबस बता दीजिए क्या है। जेवियर यार वाईफाई स्टडी पर जाकर आप एक बार देखिए, वहां से शायद आपको पीडीएफ अपलोड हो जाए। मंडे से डेफिनेटली मैं आपके लिए पीडीएफ अटैच करके दूंगा, डोंट वरी। यस आंसर इज द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये क्या काम में आता है दोस्तों, ये एंटी एसिड होता है। तो आप जितनी भी दवाइयां देखते हैं जो एसिडिटी के लिए होती है, डाइजीन टाइप जो होती है ना, उन सभी के अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। चलिए, सामान्य उर्वरकों में जिन तीन तत्वों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है वो क्या है? विच थ्री एलिमेंट आर मोस्ट नीडेड इन कॉमन फर्टिलाइजर? सल्फर, फास्फोरस, सोडियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, फास्फोरस, सोडियम, नाइट्रोजन या कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम। आपके हिसाब से कॉमन फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजर में कौन तीन होने बहुत जरूरी है? बिल्कुल रोहित, अगर आप सीएचएसएल की तैयारी करना चाहते हैं तो रोज शाम को मंडे टू फ्राइडे 6 से 7 आइए। सॉरी, आई हैव नो ग्रुप इन टेलीग्राम। क्या बात है यार, वेरी वेल डन ऑल ऑफ यू, सीरियसली दिल जीत लिया तुम लोगों ने यार आज। बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हैं यार आप लोगों ने, इट्स रियली वेरी गुड। आंसर इज नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस। ठीक है, ये सभी के सभी किसी भी फर्टिलाइजर में होने बहुत जरूरी होते हैं। वेरी वेल डन ऑल ऑफ यू यार, बिल्कुल सही जवाब देसी आदर्श, बिल्कुल सही जवाब। यस यस यस। निम्न में से विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, असिमेट्रिकल कंपाउंड कौन सा होता है? एंथ्रेसिन है, नेप्थिलीन है, फ्रियोन है या बेंजलीन है? अरे यार जेवियर यार, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये फ्रियोन है ना, इट्स फ्रियोन। अभिषेक नंदा बिल्कुल आज से ही तैयारी स्टार्ट कर दो। यस, इंस्टा पे हूं मैं। क्या बात है यार, अमेजिंग अमेजिंग। फ्रियोन इज अ राइट आंसर, इट्स सीएफसी, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। अमेजिंग पर्सनैलिटी ऑल ऑफ यू यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन आंसर दिया है। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बिल्कुल इसको खत्म करते हैं। उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? ठीक है, विच वन इज फ्लोरीन, पोटेशियम, शीशा या एल्यूमिनियम? आमिर, जो मेरा नाम है बेटा उसी नाम से। यस एग्जैक्टली, यस आंसर इज बी, पोटेशियम इज द राइट आंसर। तो उर्वरकों के निर्माण में जो तत्व इनमें से प्रयोग में लाया जाता है बिल्कुल वो पोटेशियम होता है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग दोस्तों, अब मैं आपको मिलूंगा मंडे को। तो आप सभी मंडे को प्लीज 9 बजे आ जाइएगा यहीं पर इसी वक्त, और करेंगे आपसे बहुत सारी बातें और करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द सेशन। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।